जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मिठाई के साथ पहली ब्रह्मोस पहुंची फिलीपींस के पास। इसराइल ने खामोशी तोड़ते हुए ईरान पर कर दिया है जवाबी हमला, यानी कि भारत के पास है ईरान के जैसे हमले को रोकने के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क। इंडियन नेवी को मिले अपने नए चीफ, और यूक्रेन ने पहली बार रशिया के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को किया डिस्ट्रॉय। तो जैसा कि तय था, आज 19 अप्रैल को भारत ने फिलीपींस को उनकी पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डिलीवर कर दी है, जो कि मुख्य रूप से फिलीपींस की मरीन कोर्स के इस्तेमाल के लिए है। और ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी पर इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा फिलीपींस मरीन कोर के ऑफिशियल्स को मिठाइयाँ भी ऑफर की गई थी। बाकी फिलीपींस के लिए इस पहली ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी को लेकर जो भी पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। बाकी फिलीपींस ने ब्रह्मोस की डिलीवरी एक ऐसे समय पर प्राप्त करी है जब उसका साउथ चाइना सी में ऑलरेडी चीन के साथ तनाव चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि जो फिलीपींस है वो ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरीज को डिप्लॉय करने वाली है। बाकी ब्रह्मोस कितनी कैपेबल मिसाइल है तो हमें नहीं लगता कि उसका हमें आपको अलग से डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत है। हाँ, अगर भारत के किसी चिंदी पड़ोसी को ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी के बारे में पता करना ही है तो वो अपनी सबसे सो कॉल्ड क्लोजेस्ट एलाई पाकिस्तान से पूछ सकता है कि ब्रह्मोस अगर गलती से भी फायर होती है तो भी उसे पता होता है कि उसे एग्जैक्टली कहाँ जाना है। और बाकी ब्रह्मोस लवर्स के लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल तो डिलीवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ squadron.in पर उपलब्ध ब्रह्मोस से इंस्पायर्ड हमारी मर्चेंडाइज को डिलीवर जरूर कर सकते हैं, तो उसे भी आप चेकआउट जरूर करिएगा। और स्पेशल डिस्काउंट के लिए स्पेशल कूपन कोड है PKMKB, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा अब इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। तो चलिए, अगर आप PKMKB इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप CKMKB इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी squadron.in का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कई दशकों तक इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहने के बाद अब इसराइल और ईरान पहली बार ओपन वॉरफेयर में शामिल हो चुके हैं, और जिसकी शुरुआत हुई थी जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान द्वारा इसराइल पर फायर किए गए 300 से अधिक ड्रोन्स और मिसाइल्स के बाद। हालांकि इसराइल ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के इस हमले को 99% एक्यूरेसी के साथ विफल कर दिया था और उन्हें ईरान के इस हमले में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जबकि ईरान का यह दावा था कि उन्होंने मुख्य रूप से इसराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं केवल उन्हें ही टारगेट किया था और सिविलियंस को टारगेट करना उनके गोल में नहीं था। और ईरान के मुताबिक उनका यह हमला पूरी तरह से सफल रहा था, लेकिन इस हमले के बाद ईरान की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई थी कि अगर इसके बाद इसराइल ने इसके जवाबी कार्रवाई में ईरान पर फिर से हमला किया तो फिर ईरान कुछ ऐसे हथियारों का भी इस्तेमाल करेगा जो उसने आज तक कभी पहले इस्तेमाल नहीं किए। और भारत सहित दुनिया की सभी टॉप कंट्रीज़ इस तनाव को कम करने के प्रयास में लगी हुई थी, और वे नहीं चाहते कि इसराइल और ईरान के बीच जो ये तनाव है ये बढ़ जाए। लेकिन ईरान के स्ट्राइक के बाद से इसराइल की जो खामोशी थी वो और ज़्यादा चिंता बढ़ा रही थी, पर शायद अब इसराइल ने अपनी वो खामोशी तोड़ते हुए ईरान पर जवाबी हमला किया है। और इसकी जानकारी पहले ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से सामने आई है, और जिसमें दावा किया गया कि इसराइल ने शुक्रवार को ईरान पर जवाबी हमला किया है जिसमें ईरान की 9 महत्वपूर्ण लोकेशंस को निशाना बनाया गया है, और इसमें ईरान के मिलिट्री कैपिटल कहे जाने वाले शहर जिसका नाम है इस्फहान, तो ये भी शामिल है। और इस हमले के लिए ईरान के इस्फहान शहर को चुनना इसराइल का एक रणनीतिक कदम बताया जा रहा है, क्योंकि ईरान का जो इस्फहान शहर है कई सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है, जैसे कि तेहरान और मशहद के बाद ईरान का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ पे ईरान का एक बड़ा एयरबेस है, एक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, और चीन का बनाया हुआ बेहद ही विशाल परमाणु रिएक्टर और फ्यूल प्रोडक्शन प्लांट भी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने इस हमले में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। हालांकि इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने कन्फर्म किया है कि इस स्ट्राइक में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें कोई डैमेज नहीं हुआ है, और उन्होंने इस बात का भी आह्वान किया कि हर किसी को न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करने से बचना चाहिए। और सबसे पहले ईरान के स्टेट टीवी की तरफ से बताया गया था कि इस्फहान के पास बहुत बड़े धमाके सुनाई दिए, और जबकि US मीडिया ने अपने ऑफिशियल्स को कोट करते हुए ये लिखा है कि इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक करने से पहले US को एडवांस में नोटिस दे दिया था, लेकिन अमेरिकन ऑफिशियल्स ने इस ऑपरेशन का समर्थन नहीं किया है और ना ही इसको एग्जीक्यूट करने में उनकी कोई भी भूमिका है। यानी कहने का मतलब है कि इसराइल ने अमेरिका को बता दिया था कि वो ईरान पर स्ट्राइक करने वाला है, लेकिन अमेरिका ने इस ऑफेंसिव ऑपरेशन का सपोर्ट नहीं किया है और वो इस स्ट्राइक में किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। ये पूरी तरह से इसराइल का अपना फैसला है, और ये दावा किया जा रहा है US मीडिया में US ऑफिशियल्स के हवाले से। बाकी स्ट्राइक के बाद से कई सारी ईरानियन सिटीज़ में एयर डिफेंस सिस्टम्स को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इसराइल के संभावित स्ट्राइक पर ना तो ईरान और ना ही इसराइल किसी भी देश के ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली कुछ भी कमेंट नहीं किया है और ना ही कोई अपडेट दिया है, और दोनों ही तरफ से इतनी खामोशी तो ये और ज़्यादा चिंता को बढ़ा रही है। बाकी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग सोर्सेज के हवाले से क्लेम किया जा रहा है कि ये जो स्ट्राइक हुई है इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अधिकतर ड्रोन्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है, पर सच्चाई इसमें क्या है तो इस पर अभी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। और अब ये सिचुएशन आगे कैसे बढ़ेगी
तो ये पूरी तरह से अब निर्भर करता है ईरान के रिस्पॉन्स पर। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारी डिफेंस अपडेट्स से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, और क्विक अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। अभी हाल ही में जब ईरान की तरफ से इसराइल पर एक बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई थी, तो ईरान द्वारा इतने बड़े हमले को अंजाम देना और इसराइल द्वारा इतने बड़े हमले को इंटरसेप्ट करना, तो इन दोनों ही कैपेबिलिटीज़ को लेकर एक प्रश्न निकल के सामने आया था कि अगर भविष्य में कभी ऐसा सिनेरियो बनता है कि जो हमारे एडवर्सरीज हैं मुख्य रूप से चीन या फिर पाकिस्तान, या अगर वो भी इसी तरह से स्ट्राइक भारत पर करते हैं जिसमें बहुत सारे ड्रोन्स हों मिसाइल्स हों, तो क्या भारत के पास एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क है उनको रोकने के लिए। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि हाँ, भारत के पास इस तरह के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक रोबस्ट एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है, और जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटीज को विकसित करने से लेकर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मदद से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने और MRSAM जैसे सिस्टम्स के साथ स्वदेशी आकाश और समर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से इंडियन आर्म फोर्सेस अपने इस तरह के अलग अलग वैरायटी के सिस्टम्स की मदद से एरियल थ्रेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और जिसमें दुश्मन की मिसाइल्स, दुश्मन की फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, UAVs, तो इस तरह के सभी एरियल थ्रेट्स को काउंटर करना शामिल है, और वो भी अलग अलग रेंजेस पर। और आपको बता दें कि भारत एक या दो या तीन नहीं बल्कि 14 से अधिक अलग अलग तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करता है, और भारत के इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में ऑलरेडी हमने अलग अलग वीडियोस पहले बनाई हैं, आप उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि भारत के पास एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि मुख्य रूप से चार लेयर्स पर काम करता है। सबसे पहली लेयर लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्शन, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर और एटमॉस्फेयर के अंदर इनकमिंग हॉस्टाइल मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। दूसरी लेयर आती है इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन, जिसमें मुख्य भूमिका है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। इसके बाद तीसरी लेयर है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और इस तरह के बाकी के सिस्टम्स काम आते हैं। और चौथी लेयर है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, जिसमें मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, तो इस तरह के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय किए जाते हैं। और अभी हाल ही में अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए इंडियन आर्मी ने आकाश तीर जैसे एडवांस स्वदेशी सिस्टम का इंडक्शन भी शुरू कर दिया, जो कि हमारे एयर डिफेंस मैकेनिज्म में ऑटोमेशन लाएगा और जिससे हमारी सभी एयर डिफेंस यूनिट्स एक इंटीग्रेटेड मैनर में ऑपरेट कर सकेंगी। इंडियन नेवी के नए प्रमुख के तौर पर वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को चुना गया है, जो कि 30 अप्रैल से मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के रिटायर होने के बाद नेवी के नए चीफ का कार्यभार संभालेंगे। और बता दें कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी 1 जुलाई 1985 में इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में कमीशन हुए थे, और वे एक कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट हैं, और इनके पास इंडियन नेवी में 39 वर्षों तक सर्व करने का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। और आपको ये पता ही होगा कि वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अभी वर्तमान समय में इंडियन नेवी के वाइस चीफ हैं, और जबकि वाइस चीफ बनने से पहले वे वेस्ट नेवल कमांड की कमान संभाल रहे थे, और अब 30 अप्रैल से वे इंडियन नेवी के चीफ की भूमिका निभाएंगे। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आर्मी डेंटल कोर की ब्रिगेडियर प्रिया जयराज आर्म्ड फोर्सेस डेंटल क्लिनिक को लीड करने वाली पहली वुमेन ऑफिसर बनी है। और शुक्रवार को यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि जब से रशिया के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तो तब से अब पहली बार यूक्रेन ने रशिया के लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, जिसका नाम है TU-22M3, तो इसको डिस्ट्रॉय किया है। और यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के कॉपरेशन के साथ उनकी एयरफोर्स की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल यूनिट ने अंजाम दिया है, और जिसमें क्रूज मिसाइल्स की मदद से रशियन बॉम्बर को गिराया गया। जबकि रशिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उनका जो ये बॉम्बर क्रैश हुआ है तो वो किसी टेक्निकल माल फंक्शन के कारण हुआ है, और इस क्रैश में इस बॉम्बर के क्रू में से एक मेंबर की कैजुअल्टी भी हुई है, जबकि इसके दो अन्य पायलट्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है और चौथे पायलट की तलाश जारी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2019 में एक मिलिट्री ड्रिल के दौरान लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1945 में 3 असम राइफल्स के नायक वीर बहादुर थापा ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि क्या भारत के पास कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट है या नहीं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और मिलिट्री से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।